क्वेश्चन नंबर वन में हमें एक्स एन एक सीक्वेंस दिया गया है, एक्स एन इक्वल्स टू है प्लस रूट वन माइनस रूट वन, प्लस रूट टू माइनस रूट टू, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री, इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। एंड वाई एन एक सीक्वेंस दिया गया है, वाई एन इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन बाई एन, ठीक है। एंड वाई एन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक होगा, बाउंडेड होगा या नहीं, कन्वर्जेंट होगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो y n जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक होगा या कन्वर्जेंट होगा, बाउंडेड होगा या नहीं होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो क्या करेंगे हम, x1 क्या होगा रूट वन, x2 क्या होगा माइनस रूट वन, x3 प्लस रूट टू, एंड इसके बाद x4 माइनस रूट टू, ठीक है। अच्छा, तो अब देख सकते हो कि अगर x1 x2 x3 हम लेते हैं तब ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाता है, लेकिन सिर्फ रूट टू रहता है, ठीक है। अगर हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर हम लेते हैं तब रूट वन माइनस रूट वन, रूट टू माइनस रूट टू कैंसिल होके सिर्फ ज़ीरो रहता है, ओके। तो अप टू यहाँ पर क्या आएगा, एंड यहाँ पर तो एन है, तो देखो अगर यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, अगर एन जो है वो अगर इवेन होता है तब यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, क्यों सब कैंसिल होके यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। तो ज़ीरो बाई एन मतलब ज़ीरो जब एन इज़ इवेन, ओके। एंड जब एन अगर ऑड होता है तब यहाँ पर क्या रहेगा, रूट एन माइनस वन होगा, ठीक है, बाई एन, सॉरी ये एन माइनस वन नहीं, रूट एन प्लस वन बाई टू होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो जब x1 हो रहा है रूट वन, x2 हो रहा है माइनस रूट वन, x3 के लिए रूट टू, x4 के लिए हो रहा है माइनस रूट टू, ठीक है। तो x5 के लिए क्या होगा, x5 होगा रूट थ्री, ओके। एंड x7 जो होगा वो होगा रूट फोर, x9 जो होगा वो होगा रूट फाइव। तो आप यहाँ से आप बता सक आप समझ सकते हो कि ये इसे आप इस तरह से लिख सकते हो कि 5 प्लस वन बाई टू, रूट सेवन प्लस वन बाई टू, एंड 5 को आप रूट नाइन प्लस वन बाई टू लिख सकते हो। तो जब एक्स एन होगा, एन ऑड, अगर एन ऑड है तो ये क्या होगा, रूट एन प्लस वन बाई टू होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जब एन इवेन है तब तो ये ज़ीरो हो रहा है, लेकिन जब एन ऑड हो रहा है तब क्या होगा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप रूट एन को बाहर ले आओ, रूट एन को बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ले आओ रूट एन को बाहर ले लाओ, ले आओ रूट एन बाई रूट टू, तो यहाँ पे रहेगा क्या, वन प्लस वन बाई एन, एंड एन को हम रूट एन इंटू रूट एन लिख रहे हैं, तो रूट एन कैंसिल। एंड ये कब है, जब n इवन, एंड ये है जब n ऑड है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये ज़ीरो बन जाएगा, एंड ये होगा इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो जब n इज़ इवन तब ये ज़ीरो पर टेंड कर रहा है, एंड जब n इज़ ऑड तब भी ये ज़ीरो पर ही टेंड कर रहा है, ठीक है। तो एट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वाई एन ये कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू में हमें एक इक्वेशन दिया गया है, एक्स टू दी पावर नाइन प्लस एक्स टू दी पावर सेवन प्लस एक्स टू दी पावर फाइव प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन का हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा वन, बी में बोला गया है थ्री, सी में बोला गया है फाइव, एंड डी में बोला गया है नाइन। तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एफ एक्स इक्वल्स टू दिस लिख लो, एक्स टू द पावर नाइन प्लस एक्स टू द पावर सेवन प्लस एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन चेंज कितना हुआ है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, साइन चेंज हुआ है, एक भी साइन चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप x के जगह माइनस एक्स पुट कर दो
तो माइनस एक्स टू द पावर 9, माइनस एक्स टू द पावर 7, माइनस एक्स टू द पावर 5, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स प्लस 1, तो ये सभी नेगेटिव है, ये 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो एक साइन चेंज मिला है हमें, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 हमें नेगेटिव रियल रूट मिलेगा। ओके ठीक है। अच्छा देखो मैक्सिमम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ज़रूर मिलेगा, तो हमें एक रियल रूट हमें ज़रूर मिलेगा, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एफ आर टू से आर में एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा जब एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू 0,0 एंड एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 होगा जब एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0,0। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 0, एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 1 एंड एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 0 एंड एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू 1 एंड एफ वाई 0,0 इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। यह डी सी इक्वल्स टू क्या होगा देखते हैं। ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे एक्स क्या है 0 है, तो 0 प्लस एच कमा वाई, वाई क्या है यहाँ पे 0 है, माइनस एफ 0,0 0 पॉइंट पे हमें चेक करना है बाई एच। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच कमा 0, तो एक्स का जगह आप एच पुट कर दो तो क्या आएगा एच क्यूब बाई एच स्क्वायर प्लस वाई क्या है यहाँ पे 0 एंड 0,0 जब एक्स एंड वाई दोनों 0 है तब वाई एफ क्या होगा 0 बाई एच। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा दिस इक्वल्स टू एच क्यूब बाई एच स्क्वायर इंटू एच, मतलब एच क्यूब बाई एच क्यूब, मतलब ये 1 हो जाएगा। ओके अच्छा अब इसे देखते हैं ये क्या होगा लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0,0 प्लस के माइनस एफ 0,0 बाई के इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0। देखो जब x इक्वल्स टू 0 तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड जब x एंड y दोनों 0 तब तो 0 है बाई के, तो दिस इक्वल्स टू होगा 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रिपल इंटीग्रल दिया गया है, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। जेड का लिमिट है 0 टू 1, वाई का लिमिट है 0 टू जेड एंड एक्स का लिमिट है 0 टू 1। ओके तो इसका वैल्यू क्या होगा ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है 1/90, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/50, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/45, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1/10। ये जो ट्रिपल इंटीग्रल दिया गया है इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ये z इक्वल्स टू है 0 टू 1, y है 0 टू z, x क्या है x है 0 टू y। अच्छा तो x को हम इंटीग्रेट करते हैं, x को करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो 0 टू x इक्वल्स टू 0 टू y डी वाई डी जेड। अच्छा तो z इक्वल्स टू 0 टू 1, y इक्वल्स टू 0 टू z। अच्छा x का लिमिट पुट करो तो आएगा वाई स्क्वायर, 2 को बाहर ले लो हाफ जो है एंड 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा डी वाई डी जेड। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, वाई स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट क्या है वाई कॉस टू 0 टू जेड एंड जेड का लिमिट है 0 टू 1, आगे एक हाफ है। अब आप यहाँ पे y का लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे एंड 3 को बाहर ले लो तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा एंड यहाँ पे z का लिमिट है 0 टू 1, y का अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा z क्यूब डी जेड। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1/6 इंटू z क्यूब को इंटीग्रेट करोगे तो आ होगा z टू द पावर 4/4, लिमिट है 0 टू 1, तो दिस इक्वल्स टू 1/6 इंटू 1/4 होगा, मतलब 1/24। सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब है, ठीक है,
तो वाई स्क्वायर है एंड जेड क्यूब है, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे वाई टू द पावर फोर एंड जेड क्यूब आगे है, तो वाई टू द पावर फोर को इंटीग्रेट करोगे तो होगा वाई टू द पावर फाइव बाई फाइव, ठीक है, तो फाइव इंटू टू हो जाएगा यहाँ पे टेन होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे एक जेड क्यूब है, जेड क्यूब तो वाई टू द पावर फाइव, हाँ फाइव फाइव का आप यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करोगे y का लिमिट तो होगा y टू द पावर z टू द पावर फाइव होगा, z टू द पावर फाइव इंटू जेड क्यूब मतलब z टू द पावर एट, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये टेन है वन बाई टेन z टू द पावर नाइन बाई नाइन, ठीक है, तो टेन इंटू नाइन इक्वल्स टू वन बाई नाइन्टी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर फाइव में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, अल्फा के किस वैल्यू के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू हाफ, बी में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू टू बाई थ्री बाई टू एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू टू, डी में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू थ्री। अच्छा ये एग्जैक्ट है, ठीक है, मान लो ये है एम एंड ये है एन, एग्जैक्ट है तो डेल एम डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन डेल एक्स होगा, ठीक है, अच्छा डेल एम डेल वाई करोगे तो क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा यहाँ पे, एंड इसे करोगे तो होगा टू अल्फा एक्स स्क्वायर वाई एंड इसे एक्स स्क्वायर में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा एक्स क्यूब को होगा एक्स क्यूब जो होगा वो होगा थ्री एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर रहेगा प्लस एक्स क्यूब को करोगे तो होगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा तो दोनों इक्वल है, ये कैंसिल एंड यहाँ पे टू अल्फा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई है, वाई वाई कैंसिल एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू थ्री बाई टू, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है वाई क्यूब, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है ई टू द पावर थ्री एक्स एंड डी में बोला गया है ई टू द पावर थ्री वाई। अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है, तो ये देखो टू एक्स वाई डी एक्स इसे हम वाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, एंड ये जो थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इसे जैसा है वैसे ही रहने दो, थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, एंड इसके बाद हम इन दोनों को अलग लिखते हैं, ये एक साथ एंड सिक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस सिक्स वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से थ्री को कॉमन लेता हूँ, थ्री को नहीं टू को, तो यहाँ पर क्या रहेगा थ्री थ्री वाई क्यूब एंड यहाँ पे रहेगा थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, तो थ्री वाई स्क्वायर जो है इसे मैं डी वाई क्यूब लिख सकता हूँ, ओके। अच्छा इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोथ साइड पे मैं ई टू द पावर थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा फोर इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस थ्री इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स इंटू डी वाई, ओके। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा टू इंटू थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स वाई क्यूब डी एक्स,
ओके प्लस थ्री थ्री नहीं या पे ये ई टू द पावर थ्री एक्स इंटू डी वाई क्यू, ठीक है, दिस इक्वल्स टू जीरो. तो दिस इंप्लाइज वाई ई टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स स्क्वायर, ये जैसा है वैसा ही रहने दो, प्लस ये देखो थ्री इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स, इसे हम एक्स स्क्वायर वाई डी ई टू द पावर थ्री एक्स लिख सकते हैं, ओके. एंड ये भी जैसा ही वैसा ही रहने दो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर थ्री एक्स डी वाई प्लस टू इंटू वाई क्यूब. अब देखो थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स को हम डी ई टू द पावर थ्री एक्स लिख सकते हैं, ओके, प्लस ई टू द पावर थ्री एक्स डी वाई क्यूब इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. तो दिस इंप्लाइज, देखो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम डी वाई ई टू द पावर थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इसे हम प्लस टू इंटू डी वाई क्यूब इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इक्वल्स टू जीरो, ओके. अब आप बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर दो, y इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब ई टू द पावर थ्री एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c ले लो. तो देखो यहाँ पे हमने, यहाँ पे तो हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया है, ठीक है. तो किस टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिला है, ई टू द पावर ये जो थ्री एक्स, थ्री एक्स है इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट हमें मिल गया है, ठीक है. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर थ्री एक्स. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें एक कोन दिया गया है, जेड इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस कोन के ऊपर 1, 1, √2 इस पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड सी ग्रेटर देन जीरो हमें बोला गया है. तो ये जो ए बी एंड सी है इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. अच्छा यहाँ पे देखो ये जो कोन दिया गया है हमें, कोन कोन के सरफेस पे नॉर्मल फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेड फाई, ठीक है. एंड फाई क्या है, फाई इक्वल्स टू मान लो जेड माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है. एंड ग्रेड फाई क्या होगा, ये जो ग्रेड है वो क्या है, डेल डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ठीक है. अच्छा तो ग्रेड फाई क्या होगा, आई कैप डेल फाई डेल एक्स जे कैप डेल फाई डेल वाई के कैप डेल फाई डेल जेड, ठीक है. अच्छा तो डेल फाई डेल एक्स करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस तो यहाँ पर है तो टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा टू एक्स, यहाँ पे एक आई कैप है, ठीक है. एंड प्लस होगा जे कैप, सॉरी प्लस नहीं क्योंकि यहाँ फिर आगे एक माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा जे कैप. तो सिमिलरली सॉरी स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा टू एक्स, एंड वाई स्क्वायर को करोगे तो होगा टू वाई बाई टू इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू टू कैंसिल, टू टू कैंसिल. एंड जेड को करोगे जेड पे रेस्पेक्ट में तो होगा वन, सिर्फ के कैप ही रहेगा यहाँ पे. एंड तो ये हमें क्या मिला है, दिस इंप्लाइज ये जो ग्रेड फाइव मिला है हमें माइनस आई कैप एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जे कैप वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कैप, ठीक है. अच्छा तो यूनिक नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एन कैप, ये क्या होगा, ग्रेट फाई बाई मॉड ऑफ ग्रेट फाई, ठीक है.
तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेट फाई क्या है, आई कैप एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जे कैप वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कैप, ठीक है, बाई मॉड्यूलस ऑफ ग्रेट फाई क्या होगा, ये होगा रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ओके, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब वन। अब हमें ये वन वन रूट टू इस पॉइंट पे देखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो एन कैप क्या होगा एट द पॉइंट वन वन एंड रूट टू, इस पॉइंट पे क्या होगा, माइनस आई कैप एक्स के जगह वन पुट कर दो, वन बाई रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब टू माइनस जे कैप वाई है वन बाई यहाँ पे वन प्लस वन टू होगा प्लस के कैप बाई रूट अंडर ये क्या है एक्स के जगह वन वाई के जगह वन पुट कर दो तो होगा हाफ प्लस हाफ प्लस वन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा हाफ प्लस हाफ मतलब वन प्लस वन टू, तो यहाँ पे होगा आएगा रूट टू, तो ये होगा माइनस आई कैप बाई टू होगा क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा एंड माइनस है माइनस जे कैप बाई टू एंड प्लस के कैप बाई या पे रूट टू होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू दिया गया है हमें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ए क्या मिल रहा है हमें, ए इक्वल्स टू हो रहा है माइनस हाफ, बी इक्वल्स टू माइनस हाफ एंड सी इक्वल्स टू वन बाई रूट टू, ठीक है। तो आप देखो ये जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर होगा वन बाई फोर, बी स्क्वायर होगा वन बाई फोर एंड माइनस सी स्क्वायर होगा हाफ, तो दिस इक्वल्स टू जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, क्यू बाई जेड इस ग्रुप में एक एलिमेंट है टू बाई थ्री प्लस जेड, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टू, बी में दिया गया है थ्री, सी में दिया गया है फाइव एंड डी में दिया गया है सिक्स, तो चलिए देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इस ग्रुप में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है जेड, ठीक है, तो टू बाई थ्री प्लस जेड टू टाइम्स ऐड करो प्लस टू बाई थ्री प्लस जेड, तो क्या आएगा टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री फोर बाई थ्री प्लस जेड, ठीक है। तो अब आप इसे थ्री टाइम्स ऐड करो तो टू बाई थ्री प्लस जेड प्लस टू बाई थ्री प्लस जेड प्लस टू बाई थ्री प्लस जेड, तो ये क्या आएगा टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री मतलब टू होगा, ये होगा टू एंड जेड प्लस जेड होगा, तो टू जो है वो तो जेड में ही बिलोंग करता है क्योंकि जेड जो है वो इंटीजर नंबर का सेट है एंड टू इंटीजर नंबर है, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा जेड, तो हमें आइडेंटिटी मिल गया है थ्री टाइम्स ऐड करने पर, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा थ्री, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है सिक्स जेड, ये जो रिंग है इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा सिक्स, ऑप्शन नंबर बी में सिक्स जेड ये जो रिंग है ये जीरो डिवाइजर होगा बोला गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है जेड बाई सिक्स जेड क्रॉस सिक्स जेड इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक होगा जीरो, ऑप्शन नंबर डी में एक रिंग दिया गया है सिक्स जेड क्रॉस सिक्स जेड ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा हमें बोला गया है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग सिक्स जेड इज सिक्स, अच्छा सिक्स जेड जो होता है वो क्या होता है, मान लो जब जेड इक्वल्स टू वन तब ये होगा, जब जेड इक्वल्स टू जीरो तब होगा जीरो, जेड इक्वल्स टू वन के लिए सिक्स, जेड इक्वल्स टू टू के लिए ट्वेल्व एंड जेड इक्वल्स टू थ्री के लिए एटीन, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा एंड
जेड इक्वल टू माइनस वन के लिए माइनस सिक्स, माइनस टू के लिए माइनस ट्वेल्व, माइनस थ्री के लिए माइनस एट्टीन। ठीक है, अच्छा तो ये जो एलिमेंट्स आ रहा है वो सिक्स के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ से मान लो वो है सिक्स एंड सिक्स एम इस टाइप का है। ठीक है, इसे आप सिक्स एम प्लस सिक्स एम प्लस सिक्स एम मान लो आपने एन टाइम्स ऐड किया है, अप टू एन टाइम्स। ठीक है, आपने एन टाइम्स ऐड किया है तो एन इन टू होगा सिक्स एम। ठीक है, तो क्या दिस इक्वल टू जीरो कभी भी आएगा? नहीं आएगा ना, दिस इक्वल टू जीरो कभी कभी नहीं होगा, दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दिस इक्वल टू जीरो होता तब इसका इसे कैरेक्टरिस्टिक होता एन। तो दिस इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसे कैरेक्टरिस्टिक है जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब इसे देखो, यहाँ पे द रिंग सिक्स जेड हैज ए जीरो डिवाइजर। देखो सिक्स जेड जो रिंग है वो जीरो डिवाइजर नहीं है, वो एक इंटीग्रल डोमेन है, ये जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से आप दो नॉन जीरो टर्म को ले लो एंड मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी क्या ये जीरो आएगा? नहीं आएगा ना, तो इसलिए ये जीरो डिवाइजर नहीं है। एंड ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग इज जीरो डिवाइजर होगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा जीरो। ठीक है, अच्छा हाँ यहाँ पे जीरो होगा, क्यों होगा? क्योंकि सिक्स जेड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीरो, तो इसलिए जेड बाई सिक्स जेड इंटू सिक्स जेड ये जो रिंग होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा जीरो, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है द रिंग सिक्स जेड क्रॉस सिक्स जेड दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ से मैंने दो एलिमेंट पिक किया। ठीक है, एक मान लो है सिक्स कॉमा जीरो एंड दूसरा है ट्वेल्व कॉमा जीरो या जीरो कॉमा ट्वेल्व लो या सिक्स लो, मैंने ट्वेल्व लिया। ठीक है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? मैंने यहाँ से दो एलिमेंट लिया, एक मान लो सिक्स कॉमा जीरो एंड दूसरा है जीरो कॉमा ट्वेल्व, तो सिक्स कॉमा जीरो डॉट जीरो कॉमा ट्वेल्व क्या होगा? जीरो कॉमा जीरो, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, दोनों का मैंने डॉट किया तो आया एक जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जीरो डिवाइजर है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टेन में हमें बोला गया है डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड रियल नंबर आर एंड टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर सिक्स से डब्ल्यू में। ठीक है, एंड एस इक्वल्स टू दिया गया है टी ई टू टी ई फोर एंड टी ई सिक्स, ये डब्ल्यू को स्पान कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एस एक बेसिस है डब्ल्यू का, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है टी आर सिक्स नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टी ई वन टी ई थ्री टी ई फाइव स्पान्स W, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कर्नल ऑफ टी जो है ये कर्नल ऑफ टी कॉन्टेंट्स मोर देन वन एलिमेंट। ओके, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है S जो है वो बेसिस होगा W का, S स्पान कर रहे W को, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ S जो है वो बेसिस नहीं होगा। कैसे दिखाना है देखो, मैंने मान लिया के यू वन है, ये वन जीरो 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 जीरो, ठीक है, दिस इज ई वन एंड ई टू है जीरो वन जीरो 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 जीरो, ई थ्री इक्वल्स टू जीरो जीरो वन जीरो 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 एंड ई फोर इक्वल्स टू जीरो 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 वन जीरो जीरो, तो ई फाइव इक्वल्स टू
जीरो 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 वन जीरो, ओके। एंड ई फोर जो है, ई सिक्स इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो, सॉरी जीरो नहीं, यहाँ पे ये है वन, वन जीरो 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 वन, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, ये मान मैंने W मान लिया, ये है R2, ठीक है। तो इसका जो बेसिस होगा, बेसिस सेट बीटा डैश, ये क्या होगा, वन जीरो एंड जीरो वन, ठीक है। अच्छा अब देखो कि S जो है वो W को स्पान कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा S सेट दिया गया है ये, तो S इक्वल्स टू क्या होगा, TE2 इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा मैंने मान लिया कि ये जो मैपिंग है टी मान लो, ये जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये आर सिक्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो टी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू मान लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू कमा पी प्लस आर है, ये डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा तो टी ई टू, ये ई टू कहाँ पे मैप करेगा, ई टू देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, मतलब ये होगा वन, एंड क्यू प्लस पी प्लस आर, ये है पी प्लस आर मतलब जीरो, एंड टी ई फोर, ई फोर क्या होगा, ई फोर कहाँ पे मैप करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, तो जीरो कमा पी प्लस आर वन। एंड ई सिक्स कहाँ पे मैप करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, तो वन कमा पी प्लस आर वन, ठीक है। तो एस हो रहा है ये, ठीक है, ये क्या बेसिस, बेसिस तो है ये, तो ये तो बेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब S जो है वो W का बेसिस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर A जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर B में दिया गया है वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B में दिया गया है T R6 equals to not equals to W, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे रैंक ऑफ टी क्या होगा, रैंक ऑफ टी है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी क्या है, ये है, ठीक है, रेंज ऑफ टी है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू कॉमा पी प्लस आर, ठीक है, ओके। तो देखो इसे हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू जो है, इसे हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू वन जीरो प्लस पी प्लस आर जीरो वन, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, तो डायमेंशन क्या होगा, वन वन तो टू, तो डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, टू मिला है, ओके। अब देखो W का डायमेंशन क्या है, टू है, तो रेंज ऑफ T जो है उसका डायमेंशन भी है टू, एंड W का भी डायमेंशन है टू, तो इसका मतलब T R6 इक्वल्स टू W होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो इनकरेक्ट होगा, ओके। अब हम ऑप्शन नंबर C को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टी ई वन ई थ्री एंड टी ई फाइव, ये तीनों डब्ल्यू को स्पान करेगा, ओके। अच्छा तो चलो देखते हैं टी ई वन क्या आएगा। देखो टी ई वन क्या होगा, टी ई वन होगा यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, तो वन कॉमा एंड टी पी प्लस आर, पी क्या है यहाँ पे जीरो
प्लस आर जीरो, ठीक है, एंड टी ई थ्री ना ई थ्री इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू मतलब वन कमा पी प्लस आर मतलब जीरो कमा टी ई फाइव, टी ई फाइव इक्वल टू क्या होगा पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू तो वन कमा पी प्लस आर जीरो। तो ये जो सेट आ रहा है दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है वन कमा जीरो, ठीक है। तो क्या ये W को स्पान करेगा, क्या ये R2 को स्पान करेगा, ये तो नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, और वो कैसे करेक्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टी ई टू टी ई फोर एंड टी ई सिक्स ये W को स्पान कर रहे हैं, ठीक है। तो सी वन इंटू दिस प्लस सी टू इंटू दिस प्लस सी थ्री इंटू दिस इक्वल टू डब्ल्यू होगा, सी वन सी टू सी थ्री ये तीनों कॉन्स्टेंट है, ओके। अच्छा तो इसका मतलब W का जो डायमेंशन होगा वो थ्री या थ्री से छोटा होगा, ओके ठीक है। अच्छा तो देखो W का डायमेंशन है थ्री या थ्री से छोटा, तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी मतलब रैंक ऑफ टी तो क्या तब क्या होगा लेस इक्वल्स टू थ्री। अगर ये डायमेंशन W का डायमेंशन एंड रैंक ऑफ टी ये दोनों इक्वल अगर हो जाता है तब तो ये टी जो मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये टी जो मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग होगा, ठीक है। अगर लेस देन होता है तो ऑन टू नहीं होगा, तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी जो है वो डायमेंशन ऑफ W से W का इक्वल या लेस होगा, तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी लेस इक्वल्स टू थ्री होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो हम जानते हैं रैंक ऑफ टी प्लस नालिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ भी। अच्छा यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है आर सिक्स, ठीक है। अच्छा आर सिक्स का डायमेंशन क्या है, सिक्स है, ओके। एंड हमें क्या चाहिए, कार्नल ऑफ टी, तो कार्नल ऑफ टी में कितना एलिमेंट है वो हमें चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ कार्नल ऑफ टी मतलब नालिटी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है, सिक्स माइनस रैंक ऑफ टी, ओके। अच्छा रैंक ऑफ टी हमें क्या मिला है, थ्री या थ्री से छोटा, तो दिस इंप्लाइज माइनस रैंक ऑफ टी क्या होगा, अब बहुत सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा तो देखो एंड यहाँ से हम एक काम करते हैं, बोथ साइड पे सिक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, सिक्स माइनस थ्री क्या होगा, थ्री, तो लेस इक्वल्स टू सिक्स माइनस रैंक ऑफ टी, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है नालिटी ऑफ टी, तो दिस इंप्लाइज थ्री लेस इक्वल्स टू नालिटी ऑफ टी, ओके। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ कार्नल ऑफ टी जो है वो थ्री या थ्री से बड़ा होगा, इसका मतलब कार्नल ऑफ टी में नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर थ्री होगा या थ्री से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें W एक R3 का सबस्पेस दिया गया है, W इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट 2x plus 2y plus z equals to 0, 3x plus 3y minus 2z equals to 0, x plus y minus 3z equals to 0। तो W का डायमेंशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है W का डायमेंशन होगा 0, बी में बोला गया है 1, सी में बोला गया है 2 एंड डी में बोला गया है 3। यहाँ से हमें W का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। ये जो तीन इक्वेशन दिया गया है यह एक्स वाई जेड का जो कोफिशियंट होगा इसे लेकर मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 2 2 1, 3 3 माइनस 2 3 3 माइनस 2 एंड 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इसका जो रैंक होगा वही होगा W का डायमेंशन, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे R1 डैश
इक्वल टू आर वन माइनस टू इंटू आर थ्री, ये एक ऑपरेशन यूज करता हूँ। एंड दूसरा ऑपरेशन मैं जो यूज करूंगा वो है आर टू डैश इक्वल टू आर टू माइनस थ्री इंटू आर थ्री। तो यहाँ पे करेंगे तो आएगा, देखो थर्ड रो जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा एंड फर्स्ट रो चेंज होगा, यहाँ पे जीरो होगा, जीरो होगा। तो वन माइनस टू इंटू आर थ्री, ठीक है। तो टू वन माइनस टू इंटू माइनस थ्री करोगे तो यहाँ पे होगा सेवन एंड यहाँ पे जीरो जीरो माइनस टू एंड प्लस होगा नाइन, तो होगा सेवन। अच्छा अब आप अगेन आर टू से आर टू को आर वन को माइनस करोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो रैंक जो होगा वो होगा टू। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है इक्वल्स टू होगा टू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पी एक 4x4 मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट है 10 एंड माइनस 3p। ये जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है माइनस 810, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइनस 30, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 30 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 810। ओके अच्छा, पी 4x4 मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट है 10, ठीक है। तो मैंने मान लिया पी इक्वल्स टू ये है 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये एक 4x4 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट करोगे तो 10 आएगा। अच्छा तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस 3p ये क्या होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 3p, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा क्या, यहाँ पे होगा माइनस 30 0 0 0 एंड यहाँ पे ये तो जीरो होगा, जीरो कॉलम है ये एंड यहाँ पे होगा माइनस 3 0 0 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3, ठीक है। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, माइनस 3p करो डिटरमिनेंट इसका, तो क्या होगा, यहाँ से माइनस 30 बाहर आएगा इस कॉलम से माइनस 3, इस कॉलम से माइनस 3 एंड इस कॉलम से माइनस 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो रहेगा क्या 1 0 0 0, इसके बाद यहाँ पे होगा 0 1 0 0, यहाँ पे होगा 0 0 1 0 एंड इस कॉलम पे होगा 0 0 0 1। ओके अच्छा, इसका डिटरमिनेंट करोगे तो 1 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये होगा प्लस। तो 3 to the power 4 इंटू 10, तो दिस इक्वल्स टू 810। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक पावर सीरीज दिया गया है, ये हमें बोला गया है ये पावर सीरीज 3x = 3 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें देखना होगा कि x = -2 पे ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, x = 1 पे एंड x = -1 पे ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। ये जो पावर सीरीज दिया गया है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड, ये मान लो un है, ठीक है। तो un plus 1 क्या होगा, an plus 1 into x^n+1 बाई un, un है an into x^n, ये लेस देन 1 होगा क्योंकि ये पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसलिए अच्छा अब देखो यहाँ पे x^n कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an plus 1 बाई an into x रहेगा, सिर्फ x, तो मॉड x, दिस इज लेस देन 1, ठीक है। तो x = 3 पॉइंट पे ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मॉड x इक्वल्स टू मॉड 3 मतलब 3 आएगा तब ये कन्वर्जेंट होगा। ओके अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है x = -2 के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या नहीं। देखो जब मॉड x इक्वल्स टू मॉड माइनस 2 मतलब 2 होगा, तब देखो यहाँ पे 3 पुट करने से, मॉड एक्स की जगह 3 पुट करने से ये लेस देन 1 होता है। अगर आप यहाँ पे मॉड एक्स की जगह 2 पुट करोगे तब भी तो ये लेस देन 1 आएगा ना, ठीक है।
तो x इक्वल टू माइनस टू के लिए ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप x के जगह मॉड x के जगह अगर माइनस वन पुट करोगे तो मॉड x इक्वल टू वन हो जाएगा, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब माइनस x माइनस वन के लिए भी कन्वर्जेंट होगा, x इक्वल टू वन के लिए भी ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, एंड x के इक्वल टू माइनस टू के लिए भी कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी सी डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक सेट दिया गया है y, y इक्वल्स टू x बाई वन प्लस मॉड x, एंड x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो सेट है y, इसका हमें डिराइव सेट फाइंड करना होगा, मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो इसका डिराइव सेट क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ओपन इंटरवल माइनस वन कमा वन होगा, इसका डिराइव सेट। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है सेमी ओपन इंटरवल माइनस वन कमा वन, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है क्लोज इंटरवल माइनस वन कमा वन, ठीक है। देखो वाई का लिमिट पॉइंट क्या क्या आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम जीरो पुट करते हैं, इसके जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लो, आप एक के बाद एक लेते रहो, सभी रियल नंबर यहाँ पे आएगा। एंड जब x टेंस टू मान लो टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो अच्छा मान लो जो लास्ट टर्म है वो है n, ठीक है, तो n बाई वन प्लस n, एंड n टेंस टू क्या है मान लो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मान लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाई वन प्लस n, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाई n प्लस वन, तो एट n टेंस टू इन्फिनिटी ये होगा जीरो, वन बाई n जीरो होगा, तो दिस इक्वल्स टू होगा वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो वन पे टेंड करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप x के जगह माइनस n रखोगे, ठीक है, अच्छा माइनस n नहीं, आप n ही रख दो n, तो ये क्या आएगा n बाई वन प्लस मॉड n, एंड n जो है वो टेंस टू लिमिट n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ n जो है वो नेगेटिव है, मान लो n इक्वल टू माइनस m है, ठीक है। तो m टेंस टू n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो m टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो n के जगह माइनस m लिख दो आप, माइनस m वन प्लस मॉड m जो है वो मॉड माइनस m m हो जाएगा। तो आप यहाँ पे माइनस को बाहर ले लो, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी इसे आप वन बाई m प्लस वन इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो दिस इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा ये माइनस वन पे टेंड करेगा। तो ये जो सेट होगा ना, ये जो y सेट होगा, y इक्वल्स टू होगा ओपन इंटरवल माइनस वन कमा वन, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा, लिमिट पॉइंट का सेट वो होगा क्लोज इंटरवल माइनस वन कमा वन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, टू एक्स वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड। सी क्या है, सी एक स्मूथ कर्व है 0.0 पॉइंट से लेकर 2.1-1 तक। तो हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना होगा, वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है माइनस वन, बी में दिया गया है जीरो, सी में दिया गया है वन, एंड डी में दिया गया है टू। अच्छा यहाँ पे देखो जेड कहाँ से कहाँ तक है, जीरो टू माइनस वन, वाई है जीरो टू वन, एक्स है जीरो टू टू। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू टू टी, वाई इक्वल्स टू टी, एंड जेड इक्वल्स टू माइनस टी पुट करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो जब जेड इक्वल्स टू जीरो तब टी इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है, एंड जब जेड इक्वल्स टू माइनस वन तब टी इक्वल्स टू वन आएगा, ठीक है। तो टी हमें क्या मिल रहा है, टी इक्वल्स टू हमें मिल रहा है
जीरो टू टी जो है वो हमें जीरो टू वन मिल रहा है z के लिए, एंड y के लिए भी t इक्वल टू जीरो टू वन हमें मिलेगा, एंड x के लिए भी t जीरो होगा जब x इक्वल टू जीरो, एंड जब x इक्वल टू टू तब t क्या होगा, टू टू कैंसिल होकर वन रहेगा, ठीक है। तो t का जो लिमिट है वो है जीरो टू वन, तो दिस इक्वल टू होगा इंटीग्रल t इक्वल टू जीरो टू वन। अब एक काम करो, यहाँ पे देखो dx क्या होगा, dx होगा टू dt, ठीक है। अच्छा टू, तो टू एक्स वाई क्या होगा, x है 2t, y है t प्लस z, z है माइनस t, माइनस t प्लस z है माइनस t, एक्स स्क्वायर है x है 2t तो एक्स स्क्वायर होगा 4t स्क्वायर, एंड dy होगा dt प्लस x प्लस y, तो 2t प्लस t, dz होगा माइनस dt, ठीक है। तो t का लिमिट है जीरो टू t, जीरो टू सॉरी जीरो टू वन, एंड यहाँ पे आएगा फोर टी स्क्वायर, तो फोर एंड यहाँ पे टू है तो होगा एट टी स्क्वायर माइनस टू टी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ से dt को कॉमन लूँगा, तो माइनस टी प्लस फोर टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू टी, अच्छा टू टी प्लस टी होगा थ्री टी, तो माइनस थ्री टी dt, ठीक है। अच्छा तो इंटीग्रल 0 टू 1, 8 प्लस 4 होगा 12, एंड यहाँ पे 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 तो होगा माइनस 6 t dt, ठीक है। अच्छा अब आप इसे इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, 12 इंटू टी को टी स्क्वायर को करोगे टी क्यूब बाई 3 माइनस 6 इंटू टी को करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 1, दिस इक्वल्स टू यहाँ पे 3 से 12 कैंसिल होकर रहेगा 4, एंड यहाँ पे रहेगा 3, तो लिमिट पुट करोगे तो होगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है।